हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अमित राय और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल राय फॉर अमित। तो गाइज, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कि अगर आपका सब्सक्राइबर 0 है या फिर 1K है या फिर 1 लाख है या फिर 1 मिलियन क्यों ना हो। बहुत सारे लोग यहां पे करते क्या कि यूट्यूब चैनल तो ओपन कर लेते हैं लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता होता है यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है, यूट्यूब का पॉलिसी क्या होता है। अगर नहीं पता होता है तो आगे चल के उनका चैनल टर्मिनेट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, राइट ना। लेकिन मेरे आप सब्सक्राइबर तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना आपको पहले से ही पता हो कि YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या होता है, YouTube का पॉलिसी क्या होता है, जो कि आप पढ़ सकते हो खुद से। आपका जो भी लैंग्वेज है, मान लो कि आपको हिंदी पढ़ना आता है तो हिंदी में पढ़ सकते हो, अगर इंग्लिश आपको आती है तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, फिर कोई और भी आपका लैंग्वेज है तो कोई और भी लैंग्वेज में आप कम्युनिटी गाइडलाइंस को पढ़ सकते हो। तो आप सर्च कैसे करना, पढ़ना कैसे, सारा कुछ वीडियो में बताने वाला, तो वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको सारा कुछ आप पता चलने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो कर लेता हूं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई देरी किस बात की, जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो गाइस, YouTube पे वर्क करने के लिए आए हो तो आपको YouTube का कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि जो भी मेरा सब्सक्राइबर, जो मेरे व्यूअर हैं, उनको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई किस तरीके से कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़ सकते हो, हिंदी या फिर इंग्लिश या फिर कोई और भी लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली करना है क्या कि आपको क्रोमजर के ऊपर आना है। लेकिन आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो भी ये वर्क कर सकते हो, लैपटॉप पीसी है तो भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है, बस आप स्टेप को फॉलो करते रहना, ठीक है। अब यहाँ पे क्रोम को ओपन करने के बाद गूगल पे आना है और आपको टाइप क्या करना है, YouTube गाइडलाइंस 2021, यानी कि 2021 का गाइडलाइंस मुझे पढ़नी है, यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। टाइप करने के बाद सर्च करना है, सर्च करते हो तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुलकर आ जाता है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करो तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा और बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा रहेगा कम्युनिटी गाइडलाइंस, ठीक है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे पढ़ लो और नीचे स्क्रॉल करो तो आपको बहुत सारा यहाँ पे लिंक दिखा देगा जिससे कि आपको गाइडलाइंस के बारे में पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा, उसे जाकर आप बिल्कुल पढ़ सकते। आप जिसे देखो यहाँ पे लिंक क्या क्या चीज़ का है, फेक एंगेजमेंट का लिंक है, इंप्रेशंस का लिंक है, और यहाँ पे लिंक्स इन कंटेंट का है, हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट है, यहाँ पे सेक्सुअल एंड न्यूडिटी कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, चाइल्ड सेफ्टी है, और यहाँ पे थंबनेल कस्टम थंबनेल है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे बहुत सारे लिंक है। तो चलो मैं फेक एंगेजमेंट पे सिंपली आपको क्लिक करता हूँ, मुझे जानना है पॉलिसी के बारे में, जानना है फेक एंगेजमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से ओपन होकर आ रहा है, बिल्कुल इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी में कन्वर्ट करके मैं दिखाऊंगा आगे चल के, पहले बातों को बस समझ लो, ठीक है। अब जैसे देख सकते हो कि आप कुछ यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको राइट साइड में YouTube पॉलिसी करके लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा आपको और भी दिखेगा, जैसे कि एडिशनल पॉलिसी क्या होता है, प्लेलिस्ट पॉलिसी क्या होता है। प्लेलिस्ट पॉलिसी पे क्लिक करो तो आपको प्लेलिस्ट जो बनाते हैं उसका पॉलिसी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से। लेकिन और मैं बातों आपको बता देता हूँ कि राइट साइड कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा होगा पॉलिसी सेफ्टी एंड कॉपीराइट का ऑप्शन, सिंपली यहाँ पे क्लिक करो तो आपके बहुत सारे यहाँ पे चीजें दिखाई देगा। YouTube पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हो तो पूरा चीजें जान सकते हो, कॉपीराइट एंड राइट्स मैनेजमेंट के बारे में आप जानना चाहते हो तो बिल्कुल पूरा चीजें जान सकते हो। जैसे कि एग्जांपल मान लो कि मैं YouTube पॉलिसी के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने क्लिक किया, जैसे ही क्लिक कर दो तो बहुत सारे यहाँ पे मेरे सामने यहाँ पे लिंक आ गया YouTube पॉलिसी का। तो जो चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए सिंपली यहाँ पे जाकर क्लिक करो, लिंक्स पे आपके यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है थंबनेल पॉलिसी के बारे में क्लिक करते हो तो थंबनेल पॉलिसी का पूरा यहाँ पे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ गाइडलाइंस, जो भी यहाँ पे पॉलिसीज का है आपके सामने आ जाएगा, जाकर इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम पे क्लिक करो तो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम बेसिक वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस टाइप से खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे देखते हो लिखा हुआ स्ट्राइक, यानी कि आपको कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक यहाँ पे आता है, तो इसके बारे में बहुत सारा यहाँ पे पॉलिसी है, जाकर पढ़ो, ठीक है। बेसिक से पॉलिसी है, यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आपको क्यों लगता है वो आपको पता चल जाएगा। अपील कम्युनिटी गाइडलाइन एक्शन, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लग जाती है तो उसे कैसे अपील करना है वो यहाँ पे फॉर्म वगैरह की कुछ स्टेप से लिखा हुआ है। कॉपीराइट का स्ट्राइक बेसिक से क्या होता है आपको सारा कुछ पता चलेगा, तो इसे सिंपली मैं क्लिक करता और क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब चलिए मैं बता दूं इसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लिक करके बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो, चलो मैं आपको बताता हूं। नीचे में आता हूं और नीचे आने के बाद इसे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यूट्यूब टर्म्स ऑफ सर्विस, ठीक है। आपको मोबाइल फोन में भी दिखाई दे रहा होगा, सिंपली क्या करना है कि आपको जो इंग्लिश वाले ऑप्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिंदी पे क्लिक करना है। उर्दू है फिर कोई और भी लैंग्वेज है तो बिल्कुल यहाँ पे चूज कर सकते हो, बहुत सारा यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी सेलेक्ट कर दिया, अब सारा जो वर्ड था यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट हो गया। जो मैं यहाँ पे पढ़ना चाहता हूँ बिल्कुल यहाँ पे पढ़ सकता हूँ। कॉपीराइट शिकायत का असर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, बहुत सारे यहाँ
सारी चीजें जो हिंदी में आप जाकर पढ़ सकते हो और भी लैंग्वेज जाकर पढ़ सकते हो। तो और यहाँ पे जैसे देख सकते हो कि आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर सिंपली क्या करना है आपको क्लिक करना है और जानना है यूट्यूब प्रीमियम का क्या फायदे है, जानकारी आप ले सकते हो। बहुत सारे यहाँ पे चीजें हैं कि वीडियो को आपको कैसे अपलोड करना है, तो सब चीजें यहाँ पे जाकर सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो बस आज की वीडियो इतना ही था, लेकिन आपको हिंदी में बताने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या चीजें बताते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो अगर मुझे बहुत सारा कमेंट नीचे आया कि भाई इस पे वीडियो ला दो, मैं एक एक कम्युनिटी गाइडलाइंस, एक एक यूट्यूब पॉलिसी के ऊपर, एक एक लिंक्स के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन आपको कमेंट ज्यादा आएगा तो ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही था, वीडियो आपको अच्छा लगती है वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को पहली बार आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फिर किसी के साथ अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।